हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनुज कुक हाउस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने आवाज़ सुना ना, ये एकदम क्रंची और क्रिस्पी ब्रेकफास्ट है जो हम एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे। इसे बनाने के लिए बस 3-4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और एकदम आसान रेसिपी है। सुबह शाम कभी भी आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और बारिश के इस सीज़न में एकदम गर्मा गर्म आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या सॉस के साथ आराम से खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो चलो, इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं 1 कप एंड हाफ कप टोटल मिलाकर 1.5 कप। यहाँ मैंने मैदा लिया है। ऐड करते हैं 1 चम्मच स्वादानुसार नमक और अब डालते हैं 2 चम्मच तेल। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। हमें इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है और हम जो रोटी को आटा लगवाते हैं ना, उसी प्रकार का हमें आटा गूंद कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका अच्छे से आटा गूंद कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करेंगे अच्छे से। धीरे धीरे पानी डालना है, पानी एकदम सा नहीं ऐड करेंगे। इस प्रकार हम इसका आटा गूंद कर लेते हैं। इस प्रकार मसल मसल कर हमें आटे को अच्छे से गूंद कर लेना है। हमें आटा एकदम हार्ड और एकदम सॉफ्ट भी नहीं रखना है। तो अब हम इसके ऊपर एक बाउल रखते हैं और एक 10-15 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और लेते हैं उबले हुए आलू। आलू को हमें इस प्रकार से ना कद्दूकस करके लेना है। एक ग्रेटर की सहायता से हम इसे कद्दूकस करके लेंगे। आप इसे स्मैश भी कर सकते हो, एकदम फाइन सा हमें इसे स्मैश करके लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पूरा आलू कद्दूकस करके लिया है। अब हम इसमें डालते हैं धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल तीखा पाउडर डालते हैं 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच डालते हैं, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, अदरक पेस्ट 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच और नमक स्वादानुसार 1 चम्मच डालते हैं और बारीक कटी हुई धनिया डालते हैं। अच्छे से हमें इस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके लेना है। ये देखिए, हम इसे चम्मच के साथ मिक्स करेंगे या आप हाथ से भी इसे अच्छी तरह मिक्स करके ले सकते हो। ये देखिए, इस प्रकार हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारा जो गूंद कर रखा हुआ आटा है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम आटा हमारा रेडी है। टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है। अब हम इस प्रकार से पोर्शन हाथ में लेंगे और इसकी लोइयां बनाएंगे। लोइयां बनवाकर हमें इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है और अब हम हाथ को थोड़ा सा इस प्रकार तेल लगाते हैं और हमारा ये जो मिक्सचर रेडी है ना, इसका थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेते हैं। ये देखिए, ये पोर्शन हमने हाथ में लिया है और इस प्रकार के हम इसके पैटिस बनाकर लेते हैं। लंबे लंबे स्लाइस के छोटे छोटे पैटिस हमें इस प्रकार के बनाकर लेना है। तो चलो, पूरे मिक्सचर के पैटिस हम इस प्रकार रेडी करके रखते हैं और अब हम लेते हैं लोई। पहले हम सूखा आटा इसके ऊपर डालते हैं और इस लोई को ना अच्छे से बेल कर लेते हैं। हमें बस सिंपल सी, हम घर पे जो रोटी बनाते हैं ना, उसी साइज़ की, थोड़ा सा बड़ी साइज़ रखेंगे चलेगा, रोटी बेल कर लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार मैंने यहाँ पे एक रोटी बेल कर ली है। साइज़ हमें इस प्रकार की रखनी है। अब हम पैटिस को रोटी के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं और कट करते हैं और पैटिस को दूसरी जगह रखते हैं और कट करके लेते हैं। ऐसा करने से हमारे आलू रोल है वो सेम साइज़ के बन जाएंगे। तो अब हम पैटिस को इस प्रकार रखते हैं और नाइफ से ना इस प्रकार से कट मार के लेते हैं और इस रोटी को पैटिस के ऊपर धीरे धीरे इस प्रकार से लपेट के लेते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे हमें लपेटते जाना है।
घाई नहीं करनी है, आराम से हमें इसे लपेट के लेना है। बस आपको, आप पहली बार बनाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ भी ये टफ नहीं लगेगा, एकदम आराम से। देखिए इस प्रकार से इसे रोल करके लेना है। तो अब हमारा आलू का रोल बनकर रेडी हो गया है। अब हम सेम प्रोसेस से बाकी बची हुई रोटी के भी आलू के रोल इस प्रकार से बनवा के लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरी ये रेसिपी ट्राई भी करना, और कमेंट बॉक्स में आपके एक्सपीरियंस भी शेयर करना। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ और एक तरीका आलू रोल बनवाने का दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस प्रकार रोटी को बेल कर लेंगे और नाइफ की सहायता से कट करके लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार हमें इसे कट करके लेना है। और हमारा जो पैटिस है, पैटिस हमें थोड़े से छोटे साइज के बनवा के लेने हैं, और इस प्रकार इसके ऊपर लपेटने हैं और सील करके लेने हैं। एक रोटी में कम से कम 8 से 10 आलू के रोल हम बनवा सकते हैं, और इस प्रकार के छोटे छोटे रोल बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ पे पूरे रोल बनवा कर लिए हैं। कम से कम 8 से 10 रोल आराम से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ और एक तीसरा मेथड आलू का रोल बनवाने का शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, इस प्रकार हम एक छोटी रोटी बनवा के लेंगे और पैटिस रखेंगे, दोनों साइड से रोटी को इस प्रकार से ना सील करेंगे। ये देखिए, आप प्रोसेस देखते जाइएगा। और अब हम रोटी को, मैं जो वीडियो में दिखा रही हूँ, इस प्रकार से ना कट करके लेंगे और धीरे धीरे लपेटते जाएंगे। ये देखिए, सिंगल रोटी के साथ भी आप रोल बनवा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा रोल बनकर रेडी हो गया है। अब हम नाइफ की सहायता से इस प्रकार ना इसके ऊपर कट लगवाते हैं, ताकि इससे ना इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा दिखता है। तो ये देखिए, इस प्रकार डिज़ाइन वाला हमारा रोल बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने पूरे के पूरे आलू के रोल बनवा के लिए हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम करके लेते हैं। तेल यहाँ गरम हुआ है। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे आलू के एक एक करके रोल। हमें इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। गैस फ्लेम हमें एकदम धीमी रखनी है, धीमी आंच पर ही हम इसे गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ये देखिए, एकदम आराम से, एकदम इजीली ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। निकालते हैं प्लेट में। इस प्रकार मैंने यहाँ जो रोल बना के लिए है, पूरे रोल को हम फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखा ना कितना इजी है आलू के रोल बनाना। इस बारिश के मौसम में बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाले गर्मा गर्म आलू के रोल, आप चाय के साथ इसका 100% गारंटी के साथ मज़ा ले सकते हो। तो आप भी ज़रूर इसे एक बार बनाकर देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। और आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और लाइक करना तो बनता ही है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है, बेल को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।